साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी मौजूद हैं। खदरी साहब, सबसे पहले जनता टीवी में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। सर, सीईटी का जो एग्जाम पिछले दिन हुआ था, अब युवाओं को इंतजार है कि जो 2022 है इसकी विदाई हो रही है, 2023 का आगाज होने जा रहा है, तो कब तक युवाओं को इसका रिजल्ट मिलने का इंतजार करना पड़ेगा सर? एनटीए से के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी कल भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक में यानी 31 दिसंबर तक हर हालत में वो सीईटी का रिजल्ट हमारे को दे देंगे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं सर कि 2022 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिनों तक जो है वो सीईटी का रिजल्ट मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, दिसंबर माह में सीईटी का रिजल्ट 100% आने की पूरी संभावना है। तो सर, आपने सीईटी का एग्जाम जो लिया था उससे पहले आपने जानकारी भी दी थी कि विभिन्न जो विभाग है उनमें ग्रुप सी के जो पद हैं उनको आप सीईटी के एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो है वो भरेंगे, तो क्या तैयारी है सर और कितने पदों पर भर्ती आप करने की तैयारी कर रहे हैं सर? हम सीईटी के रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा हम जनवरी माह में सी क्लास की लगभग 40,000 और डी क्लास की लगभग 22,000 पदों के लिए विज्ञापन देंगे और बच्चों से पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेशन लेंगे। इसमें सारी पोस्टें हैं, लगभग क्लर्क हैं, अकाउंटेंट हैं, ALM है, स्टाफ नर्स है, MPHW है, असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्केटिंग है, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं। इस तरह के हमारे पास लगभग 28,000 जो पद हैं सी क्लास के ये, और 7,500 TGT के, और लगभग 6,000 जो पोस्ट हैं पुलिस की हैं, जिसमें 5,000 मेल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती। ये लगभग 40,000 सी क्लास के लिए हमारे पास सरकार से रिक्विजिशन, जिसको हम डिमांड कहते हैं, वो आई हुई है। तो ये मानकर चला जाए सर कि जो 2023 होगा वो हरियाणा के युवाओं के लिए बेहतरीन साल रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से ग्रुप सी और डी के करीब 65,000 के आसपास पदों पर आप नौकरियां जो है वो सरकारी पदों पर भरने की तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल, 60-62,000 पद जो है वो HSSC के थ्रू, और लगभग 10,000 पोस्ट HPSC के थ्रू, और उसके अलावा जो हरियाणा कौशल विकास निगम बनाया है उसके माध्यम से भी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार 2023 में लगभग 1,00,000 बेरोजगार जो युवक हैं हमारे प्रदेश के, उनको नौकरी देने जा रही है। सर, अभी सीईटी का जो एग्ज़ाम लिया आपने, बहुत बेहतरीन तैयारी की, हमने खुद लाइव यहाँ से देखा था, आप कंट्रोल रूम में पूरे प्रदेश के एग्जाम सेंटर की मॉनिटरिंग कर रहे थे, कहीं अगर आपको कोई तकनीकी दिक्कत लग रही थी तो तुरंत उस सेंटर से संपर्क किया जा रहा था। तो आप ये मानते हैं कि सीईटी को लेकर जो लंबे समय तक तैयारी की गई उसके बाद एग्जाम लिया गया, उसमें जो NET के थ्रू एग्जाम लिया गया था, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसमें मिलकर काम कर रहा था, तो आपको लगता है कि ये सफल रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि 95% हम सफल रहे हैं, और सी क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ सीईटी का, इसमें हमने कुछ चीज़ें जो है वो सीखी हैं और कुछ कमियाँ अंकित की हैं कि ये कमियाँ रह गई हैं, और अब की बार हमने NTO कहा है कि जो कमियाँ रही हैं, कुछ जैसे कुछ बच्चों को 2 नंबर जारी हो गए, एक हैंडीकैप्ड को 150 किलोमीटर दूर सेंटर चला गया, कुछ महिलाओं के भी सेंटर दूर हो गए, और कुछ जो एड्रेस गलत थे कई सेंटरों के। मैं मानता हूँ कि कुछ हमारे से छोटी मोटी गलतियाँ हमारे से या NTA से हुई है, वो डी की जब परीक्षा होगी हम उसको पूरा दुरुस्त करेंगे उस चीज़ को भी। खदरी साहब, जो ग्रुप डी के लिए आपको अब फिर एक बार सीईटी लेना होगा, तो उसके लिए कब तक टेंटेटिव, कब तक मानकर चलेंगे सीईटी जो है वो आप ग्रुप डी की पोस्टों के लिए कब तक लेंगे? NTA ने हमारे से प्रॉमिस किया है कि वो फरवरी माह के माह में जो है वो डी क्लास के लिए सीईटी लेगा, और जैसे ये लेगा उसके एक महीने बाद वो रिजल्ट दे देगा। उसमें फर्दर टेस्ट की कोई वो नहीं है, मेरिटोरियस बच्चों से ही हम कंसेंट लेंगे, और साथ के साथ उनको जितनी भी पोस्टें 22,000 डी क्लास की आई हुई हैं वो बहुत जल्दी भर जाएंगी, क्योंकि उसमें अगला कोई स्क्रीनिंग टेस्ट, फर्दर टेस्ट नहीं है, सिर्फ हमने बच्चों से कंसेंट लेनी है जो टॉपर हैं, क्या आप डी क्लास में लगना चाहते हैं।
ये जो ग्रुप सी की पोस्टें करीब 40,000 के तकरीबन आप भरने जा रहे हैं, उनमें जो अभी सीईटी का रिजल्ट आएगा तो फिर क्या नियम रहेगा? मतलब कोई स्क्रीनिंग एग्जाम लेंगे दोबारा से, या फिर मेरिट के आधार पर 4 गुना जो कैंडिडेट बुलाने का जो फार्मूला है उस पर चलेंगे? क्या क्या रहेगा सर तकनीकी तौर पर? अभी जो सीईटी का ड्राफ्ट आया है, सरकार ने सीईटी का ड्राफ्ट जो हमारे पास भेजा है, नोटिफिकेशन है, उसमें तो यह है कि हम पोस्टों के अंगेंस्ट 4 गुना लोगों को फर्दर टेस्ट, जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं हम जिसको, हम 4 गुना लोगों को बुलाएंगे। जैसे 100 पोस्टें हैं तो हम 400 लोग जो टॉपर हैं उस उनको बुला के उनका एग्जाम लेंगे जी। उसके बाद एग्जाम के बाद फिर जो मेरिट होगी वो एक तरह से चयन प्रक्रिया में टॉप के मेरिट के हिसाब से उनका नियुक्ति मिलेगी? बिल्कुल, उसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर देखे जाएंगे और जो उन्होंने मार्क्स एनटीए के सीटी में लिए हैं वो दोनों जोड़ के उनकी मेरिट बनेगी, और जो लोग मेरिट में होंगे उनकी सिलेक्शन की जाएगी। अभी पिछले दिनों सर टीजीटी के लिए विज्ञापन जारी किया गया था लेकिन उसको एक बार फिर से जो है वो रोका गया। दरअसल हरियाणा सरकार ने एक फैसला किया है कि जो खिलाड़ी हैं, जो खेल कोटा है, उनकी 3% जो नौकरियां हैं वो स्पेसिफिक विभाग तय किए गए हैं कि इन 4 विभागों में होगी। तो क्या केवल ये उस कारण से ही अभी इस विज्ञापन को होल्ड किया गया है? बिल्कुल, आपने जो कहा वो सत्य है कि हमारे पास जो टीजीटी की भर्ती आई 7441 पोस्टों की, वो उसमें ESP जो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है वो सरकार ने इंक्लूड करके भेजा था। तो सरकार ने अब निर्णय लिया है कि जो ESP के कैंडिडेट हैं, जो खिलाड़ी हैं, कोटा है, वो सिर्फ 4 डिपार्टमेंट तक ही सीमित कर दिया है। तो हमने इस एडवर्टाइजमेंट को इस आधार पर रोक लिया था और जल्दी ही हम TGT की जो अप्लीकेशन की प्रोसीजर है, हेड हमने की हुई है, वो ESP की उसमें लेस करके बाकी नए सिरे से अप्लीकेशन को जल्दी ही चालू करने वाले हैं। ESP के कोटे की जो भर्ती है सर, ये जो 4 विभाग है जिसमें गृह विभाग है और जो एक खेल विभाग है, एक युवा मामले विभाग है, इन विभागों में भर्ती हो पाएगी उनकी? हाँ, सिर्फ 4 विभाग जो एजुकेशन, होम, जो स्पोर्ट्स और यूथ एंड अफेयर्स, ये 4 विभाग हैं जिनमें स्पोर्ट्स कोटे के जो है उसी में जो भर्ती है वो वहीं तक सीमित रहेगी। पिछले दिनों कुछ युवा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर से होते हुए पंचकुला में अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। उनका ये कहना था कि पुलिस की जो पिछली भर्ती है वो अभी तक रुकी हुई है, मामला कहाँ कोर्ट में फंसा हुआ है सर, क्या कारण है उसमें कि अभी तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर आप नहीं कर पाए? नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है हमने, रोक ज्वाइनिंग पे है। जो माननीय उच्च न्यायालय है उसने ज्वाइनिंग पे रोक लगाई हुई है। हमने 6600 लोगों की भर्ती जो सिलेक्शन का रिजल्ट फाइनल हमने दे दिया है, उसमें परसेंटाइल जो मेथड है जिस मेथड से हमने रिजल्ट तैयार किया है, कुछ कैंडिडेट ने उसको चैलेंज किया हुआ है, उस आधार पे उच्च न्यायालय ने अभी रोक लगा रखी है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसका निर्णय होगा और बच्चों को जल्दी ही नए साल में जो है ना ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इस तरह की कोई और भी बड़ी भर्ती है सर जो जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो, नियुक्ति पर रोक हो, या जिसका रिजल्ट डिक्लेयर करने पर रोक हो, कोई कोर्ट में विचार अधीन हो, ऐसी भर्ती बड़ी भी है? नहीं, और कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिस पे कोई ज्वाइनिंग पे रोक हो। जितनी रिजल्ट हमने फाइनल दिए हैं उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है या हो रही है, और किसी भर्ती पे ज्वाइनिंग पे या रिजल्ट डिक्लेयर करने पे अभी कोई स्टे नहीं है। हमारे सामने ही PTI के जो चयनित जो युवा हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, आपका आभार व्यक्त करने पहुँचे थे। PTI की भर्ती के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी कर्मचारी चयन आयोग के सामने, जो चुनौती है वो एक तरह से रही, लेकिन अब उसको आपने पूरी तरीके से भर्ती को पूरा कर लिया है। अभी आपका आभार भी व्यक्त करने पहुँचे थे, ये भर्ती अब पूरी तरह से कम्प्लीट होगी सर? हाँ, ये भर्ती पूरी तरह से कम्प्लीट होगी। इसमें क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट था, 4 क्वेश्चनों को कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को भेजा था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। तो जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने 4 क्वेश्चनों को गलत पाया था कि HSSC की तरफ से जो प्रश्न पत्र है उसमें एक क्वेश्चन गलत है, और ये उन 4 क्वेश्चनों की वजह से रिजल्ट रिवाइज हुआ और उसमें 362 लोगों को और नए लोगों को नौकरी मिली। आज वो आभार व्यक्त करने के लिए आए थे और जल्दी ही हम शिक्षा विभाग से अनुरोध करेंगे कि उनकी भी ज्वाइनिंग वो जल्दी करा दें, क्योंकि ये लोग 10 साल की लड़ाई के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं बेचारे। तो इनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए, शिक्षा विभाग से भी हम
अनुरोध करेंगे उनके निदेशक से। पीटीआई की भर्ती जो जिस तरीके से चार सवालों के जवाब दोबारा से आने के बाद जो 362 के करीब और लोग जो है वो चयनित सूची में शामिल हुए हैं, तो आप ये मान लिया जाए कि योग्यता, पारदर्शिता, निष्पक्षता जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगातार दावा कर रहा है वही एक फार्मूला बचा है हरियाणा में अब रोजगार के लिए। यही वजह है कि एक भर्ती में 362 युवा इसलिए आगे कि एक सवाल का जवाब को लेकर जो पेज था वो जब क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ, तो उसके बाद ये 362 लोगों को और मौका मिल गया। बिल्कुल, वो तो है ही। HSSC पारदर्शिता और योग्यता का दावा नहीं कर रही है पवन जी, कैंडिडेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा PTI कर रहे हैं और जो धरने पर कैंडिडेट बैठे हैं पुलिस वाले जो कांस्टेबल भर्ती हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम गरीब परिवार से हैं, योग्यता से भर्ती हुए हैं, मेरिट से भर्ती हुए हैं। वो अलग बात है कि टेक्निकल किसी वजह से, कोर्ट की वजह से उस पर स्टे है, पर भर्ती पे कोई पर्सन चीन किसी तरह का किसी कैंडिडेट की तरफ से या आज हरियाणा की जनता की तरफ से कोई शक नहीं है कि योग्यता और प्राथमिकता को इग्नोर किया जाता है। ये पब्लिक भी बोल रही है और कैंडिडेट भी बोल रहे हैं। हम तो बोलेंगे, हम तो उसका पार्ट एंड पार्सल है एक, पर ये आज की जो समय में जनता और कैंडिडेट खुद स्वीकार कर चुके हैं कि योग्यता और पारदर्शिता को प्राथमिकता, ये सरकार की और आयोग की भी प्राथमिकता है। 2023 में जो करीब 100,000 पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें हरियाणा रोजगार कौशल निगम से मिलने वाला रोजगार शामिल है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से मिलने वाली नौकरियां शामिल है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जो नौकरियां मिलेंगी वो शामिल है, तो 2023 हरियाणा के युवाओं के लिए एक काफी अवसर वाला साल रहने वाला है। तो क्या आप युवाओं को कहना चाहेंगे और निष्पक्षता और पारदर्शिता के आधार पर चयन होगा, किसी तरह से किसी के दबाव में या प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, वो अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी करें, कोचिंग लें और परीक्षा की तैयारी करें, उनकी योग्यता को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा और मेरिट के आधार पर जो हमने प्रण लिया मेरिट के आधार पर ही हम लगाएंगे। और मैं आपके एक माध्यम से एक नई बात बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अब जो भी अगले पेपर हम लेंगे पोस्ट के अगेंस्ट, उसमें हम सब्जेक्ट जिस विषय का वो एक्सपर्ट है उस सिलेबस को लगभग 50% रखेंगे और जो जनरल नॉलेज या दूसरे वो हैं, मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है, इस तरह के 50% हम सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर लगाएंगे। अगर कोई सिविल इंजीनियर भर्ती होने जा रहा है तो 50% हम सिविल इंजीनियरिंग ही उससे पूछें, स्टाफ नर्स भर्ती होने जा रहा तो हम 50% उससे उस हेल्थ के बारे में ही पूछें। तो इस तरह के जिस पोस्ट के अगेंस्ट वो आ रहा है उसी तरह का उसको सिलेबस 50% अब देखने को मिलेगा। तो यानी जो युवा आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का ये कहना है कि अब वो अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस करें, रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज के साथ साथ अपना सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर फोकस करें। बिल्कुल, अब वो अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो रीजनिंग मैथ वगैरह था, जनरल नॉलेज थी, उसकी परीक्षा उसकी CET में हो चुकी है, तो अब वो सब्जेक्ट पे जिसका जैसे वो कोई JEE है या अकाउंटेंट लगना है उसने, यहाँ तक कि क्लर्क लगना है, तो वो ड्राफ्टिंग पे जोर दे, स्पेलिंग पे किसी चीज़ के जाने, कोई कैसे कोई लेटर कैसे लिखा जाता है, इस तरह की जो वो है विषय वो ज़्यादा आएंगे। आप युवाओं कहेंगे कि बिना किसी डर के अपनी तैयारी करें और 2023 उनके लिए बेहतरीन साल रहने वाला है? नहीं नहीं, कोई डर नहीं, कोई किसी तरह का कोई डर भय के बिना अपनी तैयारी करें और बिल्कुल उनकी योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी।